हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के सीरीज में जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जो भी फ्रेशर हैं, जो एक्सपीरियंस भी हैं, अगर उनको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी नहीं है तो उनको जानकारी होनी चाहिए। इसी सीरीज में आज हम जानेंगे माइक्रोमीटर, इसकी कैसे ऑपरेशन होता है, कैसे किसी भी पीस का डायमेंशन लिया जाता है, इसकी एक्यूरेसी 0.01 में होता है। तो इसलिए जब भी आप कपलिंग फिट करने जा रहे हैं या कोई बोर करवाने जाना है, कभी कभी क्या है, कपलिंग पायलट बोर का आता है तो इसको आपको लेथ या मैकेनिकल वर्कशॉप में देना पड़ता है, तो उसको आपको जानकारी होनी चाहिए। या इंडेंट करने जा रहे हैं तो आपको बोर की जानकारी होनी चाहिए, कितना उसका कीवे का लेंथ है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए माइक्रोमीटर बहुत ही सुटेबल इंस्ट्रूमेंट रहता है इसकी जानकारी देने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में जो माइक्रोमीटर है उसका साइज है 0 to 150 mm, मतलब 150 mm तक का जो भी पीस है, आइटम आएगा, उसका वो आसानी से मेजरमेंट कर सकता है। ये आउटर डाया जो भी निकालना है वो आसानी से इस माइक्रोमीटर के थ्रू निकल जाएगा। तो इसमें क्या होता है जस्ट जानते हैं। अगर हम माइक्रोमीटर को जस्ट उठाते हैं तो इसमें क्या है कि दोस्त, ये पार्ट है जो, इस पार्ट को बोलते हैं एनविल, इस पार्ट को बोलते हैं स्पेंडल है, ये आगे पीछे मूव कर सकता है, ये सी फ्रेम है, ये दोस्त मूव करता है, ये है स्लीव और ये है रचट और इसको बोलते हैं थिम्बल। तो इतना जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें और भी है, डिस्टेंस पीस दिया हुआ है, ये 100 mm का डिस्टेंस पीस है, ये 125 mm का डिस्टेंस पीस है, ये डिस्टेंस पीस है 75 mm प्लस माइनस 0 micron, ये है 50 mm का और ये है 25 mm का। इसमें एक चीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, जब आप इसको देखेंगे तो इसमें बताता है कि जो 25 mm है वो 20 degree Celsius पे ही ये 25 mm रहेगा। तो ये बहुत ही जानना ज़रूरी रहता है कि हमको जो भी मेजरमेंट अगर इस माइक्रोमीटर के थ्रू लेते हैं, अगर हम 20 degree Celsius पे लेते हैं तो ये बहुत ही एक्यूरेट डिस्टेंस मेजर करके बताएगा। ये डिफरेंट टाइप के एनविल है, डिफरेंट टाइप के एनविल इसमें आप देख सकते हैं, एनविल का साइज़ अलग अलग है, कोई 75 mm, कोई 75 mm, 100 mm तक का एनविल है। इस एनविल के द्वारा हम माइक्रोमीटर के सेंटर में पीस को रख के मेजर कर सकते हैं। आइए अब एक पीस का मेजरमेंट करके आपको हम बताते हैं। अब हम आपको स्लीव ये पार्ट को दिखाते हैं कि इसमें कैसे डायमेंशंस लिखे रहते हैं। ये देखिए 0, जैसे जैसे हम स्लीव रैचेट के द्वारा ओपन कर रहे हैं, ये पहला पॉइंट है ऊपर में वो 1 mm बताया और इसके नीचे में दोस्त एक छोटी सी लाइन खींची है वो 0.5 बताता है, मतलब ये 1 mm का हाफ 0.5। जैसे जैसे खोलते जाते हैं आप देखिए, वन एम एम, टू एम एम आया, फिर ये 2 mm का हाफ नीचे वाला लाइन बताया, तो मतलब ये हर एक 1 mm नीचे में 0.5 mm में डिवाइड रहता है। तो ये जो माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है 0.01, मतलब कि ओनली 0.5 mm को हम डिवाइड कर देते हैं कितना, 50 division में। ये देखिए इसमें 0 से स्टार्ट है और 0 से स्टार्ट है 5, 10, 15, 20, 25, ये जाएगा कितना, 45 से 50, मतलब जो 0.5 mm है वो 50 division में डिवाइड है। तो मतलब हमारा क्या हुआ कि 0.5 mm डिवाइड करेगा कितना, 50 division में, तो 0.01 में। इतने एक्यूरेसी के साथ में ये माइक्रोमीटर बताता है मेजर करके कोई भी चीज आइटम का।
अब हम मेजर करते हैं। ये क्या है कि दोस्त, जो हमारा स्पेंडल है इसको हम 0-0 कर लेते हैं, 0-0 कर लिए। ये अब हो गया 0-0। इसको अगर हम चेक कर लेते हैं, इसका अगर हमको एरर चेक करना है, एरर चेक करने के लिए हम ये 25 mm का, ये 25 mm का हम एक डिस्टेंस पीस इसमें लगाते हैं। इसको थोड़ा सा डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन करते हैं और इसको हम टाइट करते हैं। 25 mm का जो हमने डिस्टेंस पीस लगाया, तो इसमें देखेंगे कि ये 0-0 हो गया। देखिए 0-0 सेट हो गया। 25 mm का डिस्टेंस पीस लगाने के बाद में ये 0-0 सेट हुआ और यहाँ भी आपको देखिए 0-0 दिख रहा होगा। तो हम 25 mm का अगर ये कोई भी पीस है 25 mm तक का, वो रीडिंग बता दिया। अगर मान लीजिए अब हमको कोई पीस को मेजर करना है, इसके लिए हम जो डिस्टेंस पीस लगाए हैं 25 mm का, उसको हम निकाल लेते हैं। ये निकल गया, इसको हम रख देते हैं। अब मान लीजिए कि हमको इस पीस का डाया चेक करना है, 25 mm का हमने डिस्टेंस पीस लगाया। अब इसको हम जो स्लीव है, स्पेंडल है, इसको रेचेट के द्वारा बढ़ाते चले गए। देखिए अब ये जाना चालू कर दिया। इसका मतलब ये है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये लिखा 15, मतलब 15.19, कितना 15.19 हमने इसको ओपन किया। ठीक है, तो इसको हम जस्ट थोड़ा सा टाइट करेंगे। देखिए ये हमेशा रचट से ही आप टाइट कीजिएगा, रचट के द्वारा ही फुल टाइट कीजिएगा। जब खटखट की आवाज़ आए तो रुक जाए, उसके बाद आप इसको लॉक लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या डायमेंशन है। ओके, तो मतलब कि हमारा जो डिस्टेंस पीस था, जो पहला वाला, ये छोटा वाला हमने लगाया था, ये 25 mm का है, तो हम 25 mm पहले लिख लिए, प्लस 25.0 mm। अभी क्या रीडिंग आया, वो आया 15.03, कितना 15.03। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये जो स्लीव है इसमें जो डायमेंशन दिया है, 0 से लेके ये 10 आया, 10 के बाद में देखिए ये 15 तक आया। ठीक है, तो 15 के बाद में जो हम काउंट करते हैं, 15 के बाद में वो जो नीचे वाला लाइन आ रहा है वो नहीं दिख रहा है, तो 15 यहाँ हो गया। और 15 के बाद यहाँ पर पढ़ेंगे, देखिए 0 के बाद 1, 2, 3, तो इसका लिस्ट काउंट क्या है, 0.01 है, तो 0.03, तो मतलब कितना हो गया, 15.03। तो इसमें हम 15.03 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा जो डायमेंशन टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 0.3, 5, 10, 1, 2, 1, 3, 1, 4, मतलब जो इसका डायमेंशन आ रहा है वो आ रहा है 40.03। तो ऐसे ही माइक्रोमीटर से रीडिंग निकाली जाती है। और भी डायमेंशन का आप ट्रायल कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगा। ये बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बताया कि माइक्रोमीटर से रीडिंग कैसे लेते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारा मोटिवेशन बढ़ता है वीडियो देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।